ये देखिए हमने यहाँ पे अरबी की खेती की है। अरबी के पत्तों की आज मैं बहुत अच्छी सी रेसिपी बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैं पत्ते कट कर लेती हूँ। ये देख सकते हैं आप, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम पत्ते मैं निकाल ले रही हूँ। ये मुलायम पत्ते तोड़े हैं, ऐसे अच्छे से वॉश करेंगे अभी। सब्जी के लिए मैंने ग्रेवी मुझे रेडी करनी है, तो उसके लिए मैंने 2 टमाटर रफली चॉप कर लिए हैं, 1 हरी मिर्च है, 7 से 8 लहसुन की कली, और ये अदरक के टुकड़े चॉप करके मैंने ले लिए हैं, और 1 प्याज। तो इसको हम अच्छे से बारीक पीस लेंगे मिक्सी में, तो ग्रेवी हम इसकी रेडी करेंगे। और ये देखिए मैंने पत्ते ले लिए हैं अच्छे से वॉश करके, तो इसे मैं पलट के क्या करूंगी, इसमें जो डंठल है पीछे साइड में वो हम निकाल देंगे कट करके, इसे हटा देना है। और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम पत्ते थे जो मैंने तोड़े हैं। और यहाँ पर हम जो छत्तीसगढ़ में ये सब्जी रेडी करते हैं अरबी की, इसे इढ़ल बोलते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग नाम से जाना जाता है। ये देखिए बहुत अच्छे से मैं सारे डंठल निकाल लूंगी। उसके बाद हम इसे कोट करने के लिए जो पेस्ट रेडी करना है उसके लिए हमें देखिए, तो इसमें मैंने अदरक लहसुन और मिर्च लिया है, और उसे अच्छे से हम कूट लेंगे और पेस्ट में हम इसे मिक्स करेंगे। और ये देखिए मैंने उड़द की दाल का पेस्ट रेडी कर लिया है, तो 4 से 5 घंटे के लिए मैंने भिगा दिया था, उसके बाद इसका पेस्ट मैंने बनाया है। तो ये देख सकते हो आप, इतना थिक रखना है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, बिल्कुल भी पानी नहीं होनी चाहिए इसमें, ताकि हमको अच्छे से पत्तों में लगाते बने। और उसके बाद मैं इसको, ये जो मैंने अदरक लहसुन और मिर्च का मसाला, इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा इसमें हम नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी हल्दी। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सारा। ये देखिए हमारा पेस्ट रेडी हो गया है, तो इसको हम पत्तियों में कोट कर देंगे इससे। और इसके लिए मैंने पत्तियां ले ली हैं अरबी की, तो इसे हम पलट लेंगे पीछे साइड, हमें ये पेस्ट को कोट करना है, तो चम्मच की सहायता से हम इसे डालते जाएंगे और हाथों से अच्छे से स्प्रेड करेंगे चारों तरफ, बहुत अच्छे से इसे कोट करना है। और पूरे पत्ती में इसका लेयर अच्छे से लगाना है, स्प्रेड करते जाना है। और ये देखिए एक पत्ती मेरी रेडी हो गई है। इसी तरीके से दूसरा पत्ता मैं लूंगी और इसके ऊपर ही रखूंगी। आप चाहें इसका लेयर बढ़ा सकते हैं, तो मैंने 2 पत्तों का लेयर बनाकर कोट किया है, तो इसे भी अच्छे से दूसरे वाले पत्ते में भी मैं स्प्रेड करते जाऊंगी। और गुजरात में इसे पात्रा के नाम से जाना जाता है, और मैं जैसे उड़द के पेस्ट का यूज कर रही हूँ, वहां बेसन का पेस्ट यूज करते हैं, और इसे डीप फ्राई करके एज ए स्नैक के रूप में यूज करते हैं। ये देखिए दोनों पत्ती अच्छे से कोट हो गई हैं, तो मैं साइड से ऊपर से और नीचे से इसको फोल्ड कर लूंगी। अब इसे ऐसा राउंड शेप देके हम फोल्ड करते जाएंगे और एक एक लेयर हम लगाते जाएंगे पेस्ट का, ये आप देख सकते हो। फोल्ड करेंगे, फिर पेस्ट का लेयर लगाएंगे, फिर फोल्ड करते जाएंगे, इस तरीके से इसे कंप्लीट करना है। और ये मेरा एक रोल बनकर रेडी हो गया है। इसी तरीके से और भी पत्तों को मैं रेडी करूंगी। कट स्टीम कर लेंगे।
ये देखिए मैं स्टीम करने के लिए इसे चढ़ा रही हूँ। इडली के सांचे में मैं इसे स्टीम कर रही हूँ। देखिए अच्छे से स्टीम हो गया और इसे मैंने ठंडा कर लिया। अब इसे कट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं। रखे हैं बीट की पत्तों को, इसको हम फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैं पैन रख दी हूँ गैस पर और ऑयल डाल देते हैं। और ये तेल हमारे खेत का ही है, प्योर निकाला हुआ सरसों का तेल। देखिए एक साइड से ये सीख गया है, तो अब मैं इसे पलट दे रही हूँ। ये देखिए दोनों तरफ से सीख गए हैं, मैं इसे निकाल लेती हूँ। देखिए मैं कुचई के पत्ते ही यूज कर रही हूँ, इसे इसी में सर्व कर रही हूँ। और कितना अच्छा लग रहा है देखकर, बहुत टेस्टी लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा है मेरे तो। और ये एज ए स्नैक इसको यूज कर सकते हैं हम, चाय के साथ खा सकते हैं पकोड़े की तरह। अब हम तड़के की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने तेल गरम कर लिया पैन में। अब मैं ये जीरा और सरसों का तड़का लगाऊंगी, साथ में डाल दूंगी मैं हरी मिर्च, इसे मैंने बीच से ही फाड़ के ऐसे डाला है। अब मैं ग्रेवी डाल देती हूँ जो हमने पेस्ट रेडी किया था। जब तक हमारी ग्रेवी पक रही है तब तक हम यहाँ पर थोड़ी आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए जो मैंने पेस्ट उड़द का पहले से बचा कर रखा था, तो उसमें मैं एक छोटी कटोरी के बराबर दही ऐड कर दे रही हूँ और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमारा जो पेस्ट था वो अच्छे से पक गया है, तो अब हम इसमें दही ऐड करेंगे।
सॉफ्ट लग रहा है, इसमें हम पानी ऐड करेंगे और मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, ये सब ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है मैंने और इन सबको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बहुत अच्छी खाने में टेस्टी बनकर रेडी होती है। सब्जी मुझे हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छी सी ग्रेवी हमारे यहाँ पर रेडी हो गई है। तो इसमें मैंने बाद में भी पानी ऐड किया था, थोड़ा थिक लग रहा था क्योंकि मुझे। उसके बाद हमने जो अरबी के पत्तों के पकौड़े तले हैं उसे हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी 5 मिनट कम से कम इसमें पकाएंगे, बॉयल आने तक इसे पका लेंगे। और ये देखने में इतना डिलीशियस लग रहा था कि मुझे तो लग रहा था बस तुरंत जल्दी बने और खाएं, और टेस्टी लगता है खाने में। और ये देखिए हमारा रेडी हो गया इडहल, तो मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। सब्जी मेरी बनकर रेडी हो गई, इसे एक बोल में मैंने निकाल लिया है। ऊपर से मैंने धनिया पत्ते से इसे थोड़ा सा गार्निश कर दिया है और ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।